नमस्कार दोस्तों बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कक्षा ग्यारहवीं हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पाठों के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम कथा कथा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और ये आपकी पुस्तक में दसवां पाठ है प्रिय विद्यार्थियों आप अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं पाठों की व्याख्या उनके बहुवैकल्पिक प्रश्न आप इस पर देख सकते हैं ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों ही कक्षाओं के कुछ वीडियोस दसवीं कक्षा के भी उपलब्ध हैं यदि आपको पी की जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कथा पटकथा पाठ के प्रश्नोत्तर विद्यार्थियों आपका जो ये सत्र है इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो और अति आएंगे तो इसमें हमने प्रश्नों का चुनाव भी उसी तरह से किया है प्रश्न चाहे एक नंबर का हो चाहे तीन नंबर का है प्रश्न जैसा पूछा गया है उसका उत्तर पूरा आना चाहिए चाहे वो एक लाइन का हो चाहे वो चार लाइन का हो ऐसा नहीं करना कि एक लाइन का एक नंबर का उत्तर है तो उसमें और यदि उत्तर में चार लाइन है तो आप सोचें कि एक नंबर का तो हम चार लाइन क्यों लिखो मैं इसमें एक ही लाइन लिखो ऐसा नहीं करना है भले ही प्रश्न एक नंबर का है या दो नंबर का है और उत्तर में यदि छह लाइन है तो आपको छह की छह लाइन पूरी लिखनी है तो शुरू करते हैं प्रश्न एक कथा लेखन एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है मनोहर श्याम जोशी इन्होंने पटकथा लेखन एक परिचय ये पुस्तक लिखी थी जिसमें पट कथा, पट कथा के बारे में बताया था दूसरा प्रश्न पटकथा क्या है स्पष्ट कीजिए विद्यार्थियों ये हम इस वीडियो में केवल आपको प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं प्रश्नों के हिसाब से आपको समझाएंगे यदि आपको इस पूरे पाठ का सारांश जानना है इसकी व्याख्या जाननी है इसको और विस्तार से समझना है तो आप दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं पट कथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है पट और कथा पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए चाहे वह पर्दा छोटा हो या बड़ा यानी सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों से बनने वाली फिल्मों धारावाहिकों आदि का आधार पट कथा ही होती है आप इसे समझ गए होंगे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि पटकथा का मतलब है कि ऐसी कहानी जो किसी भी फिल्म या धारावाहिक जो आप टीवी पर और सिनेमा में देखते हैं उसको बनाने से पहले एक कहानी तैयार की जाती है उस कहानी के आधार पर ही उस पात्र का चयन होता है और उसमें जो शूटिंग होती है फिल्म की और नाटक की वो उस पटकथा के आधार पर ही होती है हर एक डायरेक्टर को म्यूजिक डायरेक्टर को जो डांस वाला है उसको या कोरियोग्राफर है या वीडियोग्राफर है उन सब के लिए उसमें निर्देश भी होते हैं घटनाओं का जिक्र होता है घटनाओं के स्थलों का जिक्र होता है हर जगह प्रश्न नंबर तीन पट कथा के स्रोत क्या क्या हैं अब पट कथा के लिए हम जो मूल रूप से जो कहानी होती है वो कहां से लेते हैं या पट कथा के लिए विषय वस्तु वो कहां से लाते हैं कि आप देखते हैं कि हर हर साल कितनी सारी फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में टॉलीवुड में हॉलीवुड में चाइनीज मूवी बनती है तो इनके लिए कहानी कहां से आती है तो पटकथा के स्रोत हमारे आसपास की जिंदगी में घटी घटनाएं अखबारों में छपा कोई समाचार हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी इतिहास का कोई व्यक्तित्व या घटना साहित्य की कोई विधा की रचना या आदि होते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमें यादगार बनी रहती है हमेशा हमें याद रहती है तो उन घटनाओं पर आधारित भी पटकथाएं लिखी जाती हैं आपने देखा होगा कि मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है बुद्धू और जो एक रचना है बुद्धू का कांटा उन पर भी धारावाहिक बनाए गए हैं एक मांझी है मांझी ने जिसने पहाड़ तोड़ा था उस पर आधारित फिल्म बनाई गई है एम एस धोनी है धोनी के जीवन पर आधारित भी फिल्म बनाई गई है सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई है तो ये घटना है ये विशेष व्यक्तित्व है रामायण महाभारत तो आप देखते हैं कितने सारे नाटक उन पर बन चुके हैं धारावाहिक बन चुके हैं तो कथाओं के स्रोत ऐसे कहीं इतिहास से लिए जाते हैं कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है जो प्रसिद्ध होता है उससे ले लिए जाते हैं नंबर चार मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या क्या मूलभूत अंतर होते हैं अब मंच पर एक नाटक लाइव किया जाता है जैसे रामलीला है रासलीला है वो जो किए जाते हैं अमर सिंह राठौड़ है जो नोटंकियां चलती हैं वे नुक्कड़ नाटक है वे और जो फिल्म की पटकथा होती है जिस पर आधारित फिल्म होती है उन दोनों में क्या क्या अंतर होता है दोनों में कुछ अंतर होता है क्योंकि देखो नाटक एक ही जगह पर खेला जाता है उसका घटना स्थल एक ही है उसमें जो दिखाए जाने वाले दृश्य हैं केवल वे बदल जाते हैं और उन बदलने वाले दृश्यों की संख्या भी कम होती है लेकिन आप फिल्म में देखते होंगे कि गाने में भी तमाम तरह के कपड़े भी बदल जाते हैं उनकी लोकेशन भी बदल जाती है उनके स्थल भी बदल जाते हैं कभी कहीं का फोटो दिखा दिया कभी कहीं का फोटो दिखा दिया कभी पीछे सपने में ले जाते हैं सपना देख रहा है पीछे का इतिहास देख रहा है कभी भविष्य की कोई चिंता कर रहा है कि आगे क्या क्या होगा उसका दृश्य आपको दिखाने लग जाते हैं लेकिन नाटक में सारी चीजें संभव नहीं है नाटक में यदि कोई गाना हो रहा है एक मंच पर तो उसमें वो बार बार कपड़े जो नायक है और जो नायिका है वो बार बार कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन फिल्म में आप देखते हैं एक एक गाने में दस दस जोड़ी कपड़े अलग अलग तरह के दिखा देते हैं बदलते हुए दिखा देते हैं क्योंकि उसमें समय होता है बहुत लंबे समय तक शूटिंग होती है तो यही इन दोनों में मूलभूत अंतर होता है देखते हैं मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में निम्नलिखित अंतर होते हैं नाटक के दृश्य अक्सर लंबे होते हैं जबकि फिल्मों में छोटे छोटे होते हैं फिल्म छोटे छोटे दृश्य होते हैं आपने देखा होगा कि जो जैसे मान चलो घर में खाने का ही जो दृश्य है अभिनेता है अभिनेत्री है और उनके परिवार के लोग हैं वो घर में खाना खा रहे हैं तो वहीं का दृश्य बदल जाते हैं बार बार कहीं किचन का दृश्य दिखा देते हैं कहीं बातचीत का दृश्य दिखा देते हैं कहीं बाहर का दृश्य दिखा देते हैं बिल्कुल एक दो -दो चार चार सेकंड के छह छह सेकंड के दृश्य होते हैं क्योंकि नाटक में लंबे होते हैं जो दृश्य होते हैं क्योंकि बार बार उनके दृश्य वहां पर दृश्यों को बदला नहीं जा सकता क्योंकि दृश्य के लिए मंच की सजावट होती है तो उस तरह का व्यवस्था वहां पर नहीं होती है तो इसमें लंबे रखने होते हैं जिससे एक ही दृश्य में जो संवाद बहुत सारे संवाद और अभिनय किया जा सके दूसरा है गट, नाटक में घटना स्थल आमतौर पर सीमित होते हैं क्योंकि उसमें इतने ज्यादा घटना स्थलों को सजाने के लिए दिखाने के लिए जगह नहीं होती है या समय नहीं होता है निश्चित समय में होता है दो तीन घंटे में हो जाता है जबकि फिल्म में कोई सीमा नहीं है हर एक दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है कि जैसे पुलिस थाने का दृश्य ले लिया फिर पुलिस वाले जा रहे हैं जगह जिस रास्ते से जा रहे हैं उसका दृश्य ले लिया एक सेकंड का दो सेकंड का फिर उस गुंडे के घर पहुंच गए वहां का दृश्य ले लिया वहाँ मारपीट हो रही है उसका दृश्य ले लिया फिर पुलिस थाने का दृश्य ले लिया फिर जो कोई और है राजनेता है उसका दृश्य ले लिया तो इस तरह से वहाँ अलग अलग स्थान से दृश्य लिए जा सकते हैं लेकिन नाटक में ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि अलग अलग स्थान के दृश्य एक ही घटनास्थल पर दिखाएंगे तो वहां संभव नहीं हो पाएगा नाटक में अभिनेता अपने जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं जबकि सिनेमा में रिकॉर्डेड छवियां एवं ध्वनिया होती है यहां देखो नाटक में जो अभिनेता है वो जीवंत होकर के दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं बिल्कुल लाइव होते हैं और सिनेमा में क्या होता है टेलीविजन में पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं शूटिंग करके बाद में आपको दिखाते हैं तो ये अंतर होता है लाइव बिल्कुल सीधा प्रसारण होता है यहाँ आपको टीवी पर रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है तो जो सजीव अनुभूति बिल्कुल सामने देखने से होती है वो रिकॉर्ड चीज को देखने से नहीं हो पाती है, क्या है? नाटक का कार्य व्यापार एक ही मंच पर एक ही निश्चित समय में घटित होता है जबकि फिल्मों में दो दिन से लेकर दो साल तक की अवधि में शूटिंग की जा सकती है एक ही मंच पर होता है और थोड़े से समय में करना होता है हमें लेकिन फिल्म में शूटिंग दो साल चार साल भी समय लग सकता है नाटक में पात्र कार्य व्यापार और दृश्यों की संरचना आदि को सीमित रखा जाता है पात्र भी एक मंच पर कितने आ सकते हैं दस बारह लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें हजार हजार दो दो हजार सैन्य एक साथ दिखाए जाते हैं फिल्म में वीडियो से रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है कुछ जो कंप्यूटर की कला होती है कि उसमें बहुत सारे दृश्यों को ऐसे जोड़ दिया जाता है लेकिन नाटक में ऐसा संभव नहीं है एक मंच पर दस बारह पात्र एक बार में आ सकते हैं उतने ही दिखाई जा सकते हैं अभिनय भी उसमें गिना चुना होता है तरह तरह का अभिनय नहीं हो सकता जैसे मान के चलो छत से कुछ गिराया जा रहा है तो नाटक में मंच होता है उसमें छत से कुछ गिराएंगे कैसे होगा लेकिन फिल्म में गिराया जा सकता है बहुत ऊंची बिल्डिंग से भी फेंका जा सकता है तो यहां पर उन चीजों को सीमित रखा जाता है जबकि सिनेमा में ऐसी कोई सीमा नहीं है उसमें अनलिमिटेड होता है सब कुछ आप पात्र भी कितने रख सकते हैं अभिनय भी कितना रख सकते हैं दृश्य भी कितने ही रख सकते हैं फिल्म में तो यह कि जितने ज्यादा अभिनय जितने ज्यादा पात्र और दृश्य होंगे वो उतनी ज्यादा आकर्षक होगी होगी सफल हो नाटक की कथा का विकास लीनियर अर्थात एक रेखी होता है जो एक ही दिशा में विकसित होता है कहने का मतलब है कि जो नाटक की कथा है वो एक ही दिशा में चलती है वो आगे ही बढ़ती है उसमें ऐसा नहीं है कि कभी आगे घटना दिखा दी फिर कभी अतीत की घटना दिखा दी ऐसा संभव नहीं हो पाता जबकि फिल्मों में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है यानी उसमें हम बाद की यानी जो पहले अतीत की घटना है फिल्मों में उसको भी दिखा सकते हैं सपने को भी दिखा सकते हैं फ्लैश फॉरवर्ड जो हम आगे का भविष्य का उसकी चिंता को भी उसमें दिखा सकते हैं फिल्मों में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है सब एक ही समय में दिखाया जा सकता है जबकि नाटक में ऐसा संभव नहीं हो पाता यानी कि एक ही स्क्रीन पर हम चार पांच तरह के दृश्य लगा सकते हैं लेकिन नाटक में हम चार पांच दृश्य एक एक स्थान पर घटित नहीं कर सकते नंबर पांच फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में क्या अंतर है फ्लैशबैक तकनीक में अतीत में घटी घटनाओं को वर्तमान में दिखाते हैं कहने का मतलब है कि जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उनको हम आज दिखाते हैं जैसे कोई अभिनेता अपनी कहानी सुना रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को तो अतीत की कहानी सुना रहा है और फिल्म में तो उस कहानी जो अतीत की बात को सुना रहा है उसको बिल्कुल दर्शाया जाता है दिखाया जाता है पूरी कहानी तौर पर दिखाया जाता है लेकिन नाटक में ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो फ्लैशबैक के माध्यम से अतीत की घटनाओं को दर्शाया जाता है दिखाया जाता है लेकिन वो वर्तमान में होता है सब कुछ दिखाया वर्तमान में ही जाता है जबकि फ्लैश फॉरवर्ड क्या है फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है आगे की चीजों को भविष्य की चीजों को जैसे मान लोग कोई पात्र खड़ा होकर के कोई चीज को सोच रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है तो उसने के सोचने को भी कहानी यानी दृश्य बना करके दिखाया जाता है टेलीविजन पर उसी को फ्लैश फॉरवर्ड कहा जाता है तो फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को वर्तमान में दिखाते हैं दोनों काम वर्तमान में होते हैं लेकिन इसमें अतीत का काम होता है अतीत की कहानी होती है और इसमें भविष्य की कहानी होती है नंबर छह वर्तमान समय में पटकथा लिखने में कंप्यूटर हमारी किस तरह मदद करता है आजकल कंप्यूटर का जमाना है हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है मोबाइल भी छोटा कंप्यूटर ही है कंप्यूटर जैसे सारे काम होते हैं उसमें तो पटकथा लिखने में भी क्या उपयोगी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आज कंप्यूटर पटकथा लेखन में हमारी भरपूर मदद करता है आज बाजार में ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनमें पट कथा का प्रारूप पहले से ही तैयार है यानी तो पटकथा कैसे लिखनी है उसमें कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होना है वो सब कुछ उसमें पहले से फीड है आपको बस कहानी बनानी है

तो पटकथा की जो मूल इकाई है वो दृश्य है क्यों है क्योंकि एक ही जगह पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य तैयार होता है निर्मित होता है समय, जगह कार्य व्यापार यानी कि अभिनय तीनों से मिलकर के एक दृश्य तैयार होता है दृश्य के बिना पटकथा का कोई अस्तित्व नहीं है यदि उसमें दृश्य तैयार नहीं किया गया तो पटकथा को आप सिनेमा पर नहीं दिखा सकते इन तीनों में से किसी एक को बदल दिया जाए तो पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है यदि आप उसमें से एक जगह को बदल दें लोकेशन बदल दें तो भी दृश्य बदल जाएगा यदि उसमें समय को बदल दें सुबह के समय को शाम का दिखा दें शाम के समय को दोपहर का दिखा दें तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा कार्य व्यापार अभिनय को बदल दें तो भी दृश्य बिल्कुल अलग हो जाएगा इसलिए दृश्य को ही मूल्य ही माना जाता है बिना काम नहीं चल सकता नंबर फ्लैशबैक तकनीक किसे कहा जाता है ये हमने भी समझा था पिछले प्रश्न में वही है वह तकनीक जिसमें अतीत में घटी घटनाओं को वर्तमान में दिखाया जाता है उसे फ्लैशबैक कहा जाता है नंबर नौ फ्लैश फॉरवर्ड क्या है यह भी इस पर भी चर्चा की थी वह तकनीक जिसमें भविष्य में घटने वाली घटना को वर्तमान में ही दिखाया जाता है उसे फ्लैश फॉरवर्ड कहते हैं नंबर दस दसवा प्रश्न है पटकथा लिखने का विशेष ढंग क्या है अब उसको कैसे लिखा जाता है पट कथा लिखने का एक विशेष तरीका होता है हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य का घटनास्थल लिखा जाता है वो कमरा वो पार्क वो रेलवे स्टेशन इस तरह से उसका नाम लिखा जाता है घटना यानी जो दृश्य स्थल है वो कहा है दृश्य नंबर जैसे दृश्य नंबर है दस स्थल रेलवे स्टेशन उसके बाद घटना का समय किस समय घटना हो रही है चार बजे पांच बजे उसका दिखाया जाता है दिन सुबह रात शाम घटना खुले में घट रही है या बाहर है यानी कि रेलवे स्टेशन के भीतर है या बाहर है या पटरी के पास है कहा है लिखा जाता है और ये जो तरीका है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तरीका है इसी तरह से जो ज्यादातर जा, पठ करता है, वो लिखी जाती है विद्यार्थियों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद